गुजरात स्टेच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया खाते प्रधानमंत्री की उपस्थिति में भुज कन्या विद्या मंदिर द्वारा बैंड नु सुपर परफॉर्मेंस। सर्जनहारा इन नारियों को शक्ति के रूप में पूजा जाता है। शक्ति स्वरूपा नारियों के सशक्तिकरण के लिए हमेशा से ही हिमायती रहे हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। आज उनकी गरिमामय उपस्थिति में ये प्रस्तुति गुजरात पुलिस की महिला शक्ति के द्वारा, और अब एक ऐसी प्रस्तुति जो विशेष तो है ही, प्रस्तुत भी हो रही है कुछ विशेष बच्चों के द्वारा। गुजरात के बनासकांठा स्थित अंबाजी के गब्बर पर्वत पर कुछ वर्षों पूर्व भिक्षावृत्ति से जुड़े पिछड़े वर्ग के कुछ ऐसे बच्चे जिनके लिए जिंदगी ला उम्मीद थी, बनासकांठा स्थित श्री शक्ति सेवा केंद्र, जो कि पिछले 13 वर्षों से वहां के आदिवासी, भरथरी और अति पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए प्रयासरत है, उन्होंने इन आदिवासी भिक्षु बच्चों को सही जिंदगी देने का सफलतम प्रयास किया। इसमें सर्वप्रथम प्रस्तुति स्वामीनारायण कन्या विद्या मंदिर भुज की इन बालिकाओं के द्वारा। श्री स्वामीनारायण मंदिर भुज संचालित श्री स्वामीनारायण कन्या विद्या मंदिर नी दीकरीओ कच्छ अने जोन लेवले बैंड पार्टी नी अंदर प्रथम नंबर प्राप्त करी अने राज्य नी अंदर पण प्रथम नंबर प्राप्त कर्यु। त्यार बाद आपणे सौ जाणी छी के स्टेच्यू ऑफ यूनिटी आपणा देशना आदरणीय वडाप्रधान मोदी साहेबनी उपस्थितिमां श्री स्वामीनारायण कन्या विद्या मंदिर की दीकरीओए बैंड नी त्या कने प्रस्तुति करी अने आ परफॉर्मंस जोई अने खुद मोदी साहेबे पण कह्युं के कच्छ भुजनी दीकरीओनुं परफॉर्मंस बहु सारूं हतुं अने अमारी आ संस्था छे भुज मंदिरनी दीकरीओनी, एना द्वारा छेल्ला 3-1 वर्षथी अमे आ बैंड पार्टीनी अंदर दीकरीओने राष्ट्रीय लेवल सुधी એ કોમ્પિટિશનમાં ભાગ લીધો છે અને લાસ્ટ ટાઈમ રાષ્ટ્ર લેવલે પણ 3rd નંબર પ્રાપ્ત કર્યું હતું અને હવે આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે બેન્ડ પાર્ટીની અંદર સૌથી સારી ક્વોલિટી પાઇપ બેન્ડ પાર્ટી જે હોય છે એની અંદર હોય છે, તો આ વખતે ખાસ દિલ્હીથી ટ્રેનરો બોલાવી અને અમારા ભુજ સ્વામિનારાયણ મંદિરનો જે મોટો ઉત્સવ છે નરનાળ દેવ દ્વિશતાબ્દી મહોત્સવ, એની અંદર ખૂબ સારી રૂપ પરફોર્મન્સ અને એ પરફોર્મન્સ રાષ્ટ્ર લેવલે પણ આ દીકરીઓ નંબર પ્રાપ્ત કરે એટલી તૈયારીઓ આ અમારી સંસ્થા દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે। આ દીકરીઓની અંદર અમારી સંસ્થામાં 2 પ્રકારની ટીમ છે, એક જુનિયર અને સિનિયર, એમાં એક ટીમની અંદર 22-23 દીકરીઓ જોડાતી હોય છે।